ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਨਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ। ਤਨਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਵੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਨਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੀ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਨਵੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਨਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। मैं जब छोटी थी तब मैंने अपनी एजुकेशन यहीं से पूरी करी। अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने सपने देखना शुरू किया और जब मैंने अपने पापा के सामने कॉलेज में अपना ये सपना उनके आगे रखा कि मुझे लॉ करके जुडिशरी करनी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से अपनी लॉ करी और वहीं से मैंने राहुल जाइस से अपनी कोचिंग ली और उनके आशीर्वाद से मैं सिलेक्ट हो गई आज। जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैंने पिछले साल अपनी लॉ पूरी करी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आजकल अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले तो लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को एज एन एग्जाम्पल देखती हूँ उस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे, मेरे भाई को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी और आज मैं कुछ कर पाई, तो आज वो भी मेरे पे प्राउड फील करते हैं। अब कोई फ़र्क नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लॉ कर सकते हैं और लड़कियों के लिए अच्छी फील्ड नहीं है। इनफैक्ट अब लड़कियां और आगे बढ़कर जुडिशरी में ज़्यादा परस्यू करके ज़्यादा सिलेक्शंस ले रहे हैं। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे और ख़ास करके लड़कियाँ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें अपॉर्चुनिटी दें और उनका साथ दें, वो आपका नाम रोशन करेंगे। क्या एम लेके चलिए भी लोगों को इंसाफ दीजिए, बेसिकली डॉक्टर को जैसे प्रेफरेंस भगवान कर मानते हैं ऐसे कोर्ट जुडिशरी आ जाती है, क्या आपने सोचा था भी आपने? जब मैंने जस्टिस और लॉ के बारे में सोचा था तो मेरा सिर्फ एक ही एम था कि मैं ऐसी पढ़ाई करना चाहती हूँ जिससे सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सोसाइटी को फ़ायदा हो। और मुझे ये विश्वास है कि जो मैंने पढ़ाई करी है और जिस फील्ड में मैं अब हूँ, ये पढ़ाई सिर्फ मेरे लिए सेंट्रिक नहीं है। जो लोग मेरे पास आएंगे मैं उन्हें एक थर्ड पर्सपेक्टिव से इम्पार्शियली हेल्प कर पाऊँगी और यही मेरा मोटिव था और शायद तभी मैं सिलेक्ट हो गई। सफल कितना मुश्किल लगा, मुश्किल था या आसान था या आसान बनाया गया या पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रहती है? देखिए, कुछ करने के लिए सब कहते हैं कि सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग, अच्छा परिवार आपके साथ हो, अच्छे टीचर्स आपके साथ हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए तो ये बहुत आसान रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे भाई भाभी मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए कोई बर्डन हूँ या फिर मुझे टाइम भी अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, मेरे साथ रहे और बाकी मेरे टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, इसलिए सफ़र बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था और मैं कभी इसे नहीं भूल पाऊँगी। जी, मैं हरियाणा में ही सर्व करूँगी लोगों को बिकॉज आई हैव बीन सिलेक्टेड इन हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। बच्चे मेरे शुरू तो इंटेलिजेंट रहे ने, स्कूल दे टाइम भी फर्स्ट या सेकंड तो घट कदे भी नहीं, तो जो चंडीगढ़ भी बड़े BBA करिए ने उदों भी यूनिवर्सिटी दा रैंक सी। बच्चे तो इंटेलीजेंट है ही सी, पर लेकिन मैं कदे भी इन्हां नूं कदे जो भी इन्हां दा मोटिव है उन्हूं परस्यू करन लई इन्हां दी हैल्प करी मैंने। उस तो बाद रब की कृपा है, थोड़े भाइयों का आशीर्वाद है, तो जो इन्हें कोचिंग लीती उन्होंने टीचर ने बहुत ज़्यादा हैल्प करी इन्हों की, इसलिए सोसायटी का, उपर वाले का, मैं भाइयों का, सारी सोसायटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है जी मुझे कि मेरी बेटी जज बनी है, इसकी हार्डवर्क सक्सेसफुल हुई है, इसके पापा का पूरा सपोर्ट है, इसका ब्रदर का पूरा सपोर्ट है जी। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को एज ए बर्डन मत समझो, बस उनको पढ़ाओ। आपका भी योगदान है, मेरा तो हाँ जी, हाँ जी योगदान है ही, मेरा तो 100% मेरा योगदान है जी पूरा।
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹੀ ਏਮ ਥਾ ਮੈਨੇ ਵੋ ਏਮ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਬਣੇ ਬਸ ਅੱਜ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿੰਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋ ਸਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੇ ਮੇਂ ਐਂਡ ਕਭੀ ਕਭੀ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਯੇ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਹਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪੈਸ਼ਨ ਸ਼ੀ ਫੌਟ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਦੀ ਔਡਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਲੜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਲੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਥਾ ਬਟ ਟਫ ਵੀ ਥਾ ਬਟ ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਇਟ ਥਰੂ 100 on 100 ਫੋਰ ਹਰ